और ये देखें हमारा रोकी धड़ाधड़ काम करी जा रहा है। ये कह रहा कोई भी मुझे रोके ना, इसलिए इसलिए इसका नाम रोकी रखा है। तो बाहर बेल हुई है और मेरा आना था पार्सल, तो मुझे लग रहा है कि हमारा पार्सल आ चुका है। तो चलें देखते हैं क्या हुआ, पार्सल आया है या नहीं। तो ये देखें मेरा पार्सल आ गया है, वाह जबरदस्त। ओ आई गिर गया इसके अंदर। अब देखें मैंने ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर की थी और 2 दिन में आ गई हैं, तो देखते हैं अंदर क्या है। और जो मैंने मंगवाया है वही है, और अगर मुझे अच्छा ना लगा तो मैं रिटर्न भी करा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त मौज है कि आप फौरन रिटर्न भी करा सकते हैं। तो मैं आज आपसे चीज़ें शेयर करूंगी, इसमें क्या है आपको दिखाऊंगी, इसके अलावा कुछ और चीज़ें वो भी आपसे शेयर करूंगी कि वो क्या है। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, पहले नाश्ता करते हैं और फिर ये चीज़ें देखते हैं। तो मैं अपना और अपने बेटे का नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो मैं अभी नाश्ता बनाने लगी थी कि फिर बेल हुई और ये लोग आ गए हैं गोट का घर बनाने के लिए। तो देखें अभी ये घर फिर मतलब कल मैंने आपको दिखाया था, बारिश की वजह से रह गया था, तो अब ये बना रहे हैं। तो ये इस तरह बना रहे हैं कि गोट बाहर ना निकले, क्योंकि ये वाला जो हमारा गोट है ना, आपको पता ही है, जम करके बाहर आ जाते हैं। तो ये इस तरह बना रहे हैं कि गोट जो है वो जम करके आए ना, तो वो पूरा एडजस्ट करेंगे उसे, सारा कुछ करके उसकी पूरा साइज ले के तब वो बनाएंगे। तो ये देखें मैंने कहा आपको ज़रूर दिखाऊं, शेयर करूं कि यहाँ पे बेबी गोट का घर कैसा बनता है। और मेरा दिल कर रहा है मुर्गियाँ रखने को भी, क्योंकि मुझे मुर्गियाँ बहुत पसंद है और घर के देसी अंडे तो मुझे बहुत ही पसंद है। इर्ज़ा मुर्गियाँ रखनी है? मेरा बेटा कहता है मुर्गियाँ भी रखें और बकरे रखें, मेमे रखें, घोले रखें, और क्या रखें। और ये देखें ये बैठा हुआ है यहाँ पे, और विंडो से ये देखें ज़रा रिलैक्स हो के अपनी विंडो से बेबी का गोट का घर भी देखा जा रहा है। ये देखें सामने उसके वो गोट का घर बन रहा है, और ये देखें इर्जा अब कैसी तबीयत है बेटा की? फाइन? नहीं नो नो यू फील बेटर? थोड़ा सा थोड़ा अच्छा। तो ये चले मैं नाश्ता क्या करना है बताएं। अंडा टोस्ट। अंडा टोस्ट, चलो ठीक है अंडा टोस्ट। तो मैं अंडा टोस्ट बनाने जा रही हूँ, और फिर बॉक्स भी खोलते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं। हमेशा की तरह चाय तो आपको पता है मस्त है, तो चाय के बगैर तो मेरा नाश्ता इनकम्प्लीट है। चाय बनाने लगी हूँ और इर्जा ने बखा है टोस्ट, उसके बनाऊंगी टोस्ट, अपने बनाऊंगी। समझ नहीं आ रही अपने लिए क्या बनाऊं। मेरा दिल कर रहा है, मेरे डोनट्स पड़े हैं प्लेन जो कल लिए थे हादी के लिए, एक उसमें मैंने उसने खाया नहीं है तो वो मैं खा लूँगी। प्लेन भी लिए थे हमने कुछ, तो प्लेन मैं खाऊंगी, तो उसके बाकी स्ट्रॉबेरी वाले उसके पड़े हैं अभी भी। तो चलें नाश्ता बनाते हैं। तो अब मैं पीने लगी हूँ फ्रेश जूस, साथ नाश्ता कर लिया है, फ्रेश जूस पीती हूँ। थोड़ी देर के बाद चाय बनाऊँगी, और नाश्ता मैंने वैसे इतना किया नहीं है, थोड़ा सा ही आज एक टोस्ट लिया। तो बाकी हमारे सारे जो ग्लास हैं वो हैं डिश वॉशर में, और ये देखें मैं पीने लगी हूँ फ्रेश जूस, और ये वही जूस है जो मैं कल लेके आई हूँ। और ये है जी $9 का फ्रेश जूस, समझे पाकिस्तानी, 1800 का है ये, और इसमें है जी 6 क्वार्टर है। तो खुद ही सोच लें कितने का कितना है, कितना मतलब। तो जी नाश्ता भी हो गया, फ्रेश जूस भी पी लिया, और काफ़ी देर हो गई है, चीज़ें भी मैंने उठा ली हैं, और अब मैंने चाय भी रखी है साथ, और
साथ मैंने कहा ये बॉक्स भी खोलते हैं, इसमें क्या है। मुझे तो पता है क्या है, लेकिन जो मैंने असल में ऑनलाइन शॉपिंग की है, मुझे ये नहीं पता कि किस मतलब चीज़ें मंगवाई तो हैं, लेकिन अभी चेक करूँगी कि किस तरह का है, किस तरह की है। तो देखते हैं, आपने साथ रहना है, आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है, और आपको भी दिखाएंगे। तो ये देखें, अच्छा ये क्या है, ये वैसे ही मैंने मतलब और करने के लिए डाला। अच्छा तो जी, पहले मैंने मंगवाया है बॉबी ब्राउन, तो इसका तो ये है मस्कारा। असल में इसकी देखें वैल्यू थी $73 का, जो मुझे पड़ा है $35 का। तो कैसा है ये देखते हैं, पैकिंग चेक करें। अच्छा तो अच्छा ये है जी, इसमें मेकअप रिमूवर भी एक, और ये मेकअप रिमूवर, और ये है जी इसका मस्कारा, और ये भी मस्कारा है, यानी कि मस्कारे का पूरा सेट है। अच्छा मेरा ख्याल है वो ब्राउन है, और ये है, एक मिनट, मेरा ख्याल है ये वाला, ये भी ब्लैक ही है। अब पढ़ती हूँ, सेलिब्रेट लेशी मस्कारा सेट, दोनों ही ब्लैक हैं, ब्राउन और ब्लैक ही कर देते भला। अलबत्त मैं अभी ये चीज़ें मंगवाई हैं, अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं फिर इनको रिटर्न भी करवा सकती हूँ। तो अभी ये इसी तरह ही इनको रखते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है मेरा मूड का, मैं रिटर्न भी करा दूँ। और मज़े की बात ये है कि मैंने तो आपको बताया था कि रिटर्न भी होता है ये, तो ये इसके अंदर इसको डालते हैं और इसकी पैकिंग वापस ऐसे ही, क्योंकि आपको बताऊंगी शायद ये वापस कर दूं, इस वजह से कि और भी बहुत सारी डील्स अब आ रही हैं। और ये उनका है जी, और ये उन्होंने हमें कार्ड्स दिए हैं, 50% ऑफ शॉपिंग ऑन हॉलीडेज कार्ड। तो ओके अच्छा, ये भी बॉबी ब्राउन का था जो मैंने मंगवाया था, डे एंड लाइट आई शेडोज। तो इसकी जो वैल्यू है वो है $118, और अब मुझे पड़ा है $39, यानी $40 का पड़ गया मुझे, और $118 समझे पाकिस्तानी 22,000 का है ये, तो इतना ज़्यादा महंगा। लेकिन मैंने तो सेल पे लिया है 40 का। कलर्स देखते हैं कि वाकई ही इतने हैं एक्सपेंसिव। तो जी कलर देखें, अच्छा मिरर भी है और कलर भी है, तो देखते हैं इसमें कौन सा कलर है। सब लाइट लाइट कलर है, ऑफ वाइट। अच्छा चाय भी उबल रही है, थैले में आ रही हूँ, तो चाय भी उबल गई है, और चाय भी अभी डाल के लाती हूँ, साथ ये भी एंजॉय करते हैं। तो ये वाला है जी शेड, एक ये शेड है, देखें नज़र आ रहा है आपको, पता नहीं, अलबत्ता लाइट लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है, ये देखें मिलते जुलते ही हैं, शायद ये भी वापस ही जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लाइट है। ये कलर तो मेरे पास ऑलरेडी है, कलर है मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा लाइट है ये कलर। तो सॉरी बॉबी ब्राउन, आप वापस जाओ। तो लेकिन मुझे बॉबी ब्राउन बहुत पसंद है, आई लव बॉबी ब्राउन, बट ये कलर कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है। अच्छा अब क्या आया है मुझे देखते हैं, एक एस्ट्रेडर 35, वैल्यू थी $100, 20,000 की थी, जो कि मुझे पड़ा है 6,000 का। अच्छा
ये वाला जो था ये 73 यानी कि 14,000 का था, जो मुझे पड़ा है 6,000 का। और ये भी 118 कितना पड़ा, हाँ जी ये भी 22,000 का था, जो मुझे पड़ा है 8,000 का। तो बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, अलबत्ता देखते हैं। अच्छा इनकी पैकिंग बड़ी प्यारी होती है, ये देखें हम जरा ये पैकिंग चेक करें। ये पैकिंग आप इतनी खूबसूरत है कि बस पैकिंग ही दिल करता है बंदा देखता है इनकी। अब ये देखें कलर देखें, अच्छा ये देखें, एक ये है, ये है, ओके अच्छा ये कलर, ये और ये तो ये होता ही है। एक ये है पिंक कलर, भी अच्छा लाइट पिंक, देखें लाइट पिंक है बिल्कुल। तो खुशबू भी अच्छी है वैसे कुछ लोगों की। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं जब गई थी तो मुझे पता चला कि इनकी जो डील है वो एक नई डील आ गई है, मतलब उन इनकी अब जो मैंने आपको दिखाया था, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा कि उसमें ये था कि अगर मैं ऑसिलेटर की कोई भी चीज़ $45 की खरीदती हूँ तो मुझे वो बड़े वाला कॉस्मेटिक जो है वो 75% का पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ इसको रिटर्न करवा के, इसको रिटर्न करवा के $45 की वहाँ से कुछ छोड़ लेती हूँ, और क्योंकि उसमें मुझे ये सब लिप ग्लॉस भी आ जाएंगे, हर चीज़ आ जाएगी। तो आप मुझे बताएं कैसा आइडिया है। तो मैं और एक ये कलर है, ये पर्पल सा है, और एक कलर ये है लाइट स्किन कलर है। तो बताइएगा आपको कौन सा कलर अच्छा लगा है, वो भी मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये भी शेयर किया। तो इसको वापस रखते हैं उसी तरह। चलो जी तो ये मैं अब करके आऊँगी रिटर्न, और इसकी जगह मैं वो भी लूँगी जो पूरी एक नहीं बड़ी कॉस्मेटिक की है, वो $75 में सब चीज़ें हैं इनकी, तो वो लूँगी। और भी है नहीं, कुछ भी नहीं है। खैर पैकिंग तो बहुत प्यारी है इसकी, और ब्रांड भी अच्छा है, बहुत अच्छे हैं इनके चीज़ें, मेकअप इनका अच्छा होता है। तो मुझे असल में मेरी अम्मी को तो बिल्कुल मेकअप अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं मैं अगर उनको कहूँ तो कहेंगी बिल्कुल नहीं लेना मेकअप पे, बिल्कुल पैसे नहीं ज़ाया करने, ये मेरी अम्मी का कहना है। और मैं भी कहती हूँ वाकई, क्योंकि इतना ज़्यादा मेकअप यूज़ तो करते नहीं हैं, पड़ा ही रहता है। तो अच्छा अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ शनैल जी। तो मैं इसकी लेके आई थी फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन जो है ये देखें, ये वाटर फाउंडेशन है फ्रेश टिंट, और इसके साथ देखें इतना ज़बरदस्त ब्रश, कितना खूबसूरत ब्रश है, और बहुत अच्छी ज़बरदस्त अच्छे वाला, क्योंकि आपको पता है शनेल का तो चीज़ें ज़बरदस्त होती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाउंडेशन का कलर कैसा है। इसको पहले मिक्स करें अच्छी तरह से, फिर हम ये देखें, थोड़ी सी अमाउंट मैंने लगाई है, अब देखते हैं कैसा है ये, कैसा है कलर, कैसा है ये देखें। इसके अंदर वाटर है, वाटर और फाउंडेशन है, और ये सनब्लॉक भी है। तो ये देखें ज़बरदस्त है, और ब्रश बहुत ही अच्छा है, देखें तो
मुझे आप कैसी लगी है बताइएगा, मुझे तो अच्छी लग रही है। और दूसरा है कि इसके प्राइस क्या है। इसके प्राइस हैं जी कितने की होगी ये, $65 की। तो ये $65 की इसकी है, थोड़ा सा और चेक करते हैं इतनी महंगी है। अगर मैं अभी ये फाउंडेशन लगाती हूँ ठीक है, मैं हफ्ता भी इस्तेमाल करूँ, 2 वीक इस्तेमाल करूँ और मुझे ये पसंद नहीं आ रही है, तो मैं जाके रिटर्न करूँगी तो वो मुझे पैसे वापस दे देंगे। तो इस तरह मज़ा भी है। अब ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, अच्छी है ना, मुझे अच्छी लगी है, पसंद आई है ये। लेकिन अभी मैं यूज़ करूँगी तो मुझे पता चलेगी असल असल इसकी कीमत क्या है। तो अच्छी है। खैर अभी मैं इसको तकरीबन 2 वीक लगाऊंगी, लगा के फैसला होगा, फिर अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं रख लूँगी, नहीं तो रिटर्न। लेकिन शनेल जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है, असल में इसका परफ्यूम तो मेरा फेवरेट है, लेकिन अब फाउंडेशन भी मुझे इसकी अच्छी लगी है और इसके लिप ग्लॉस जो मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, तो अब आ गया इसका लिप ग्लॉस। तो ये लिप ग्लॉस जो है ये देखें, इस पे लिखा भी हुआ है प्रूफ ऑफ परचेज और रिटर्न, रिटर्न होने के लिए ये लेबल मस्ट है बस। और रसीद आपके पास अगर नहीं भी है, बस ये वाला जो है ना इनका प्रूफ ये रखना है आपने कि वाकई आपने ख़रीदा है, चोरी नहीं किया। तो अब इसको खोलते हैं और इसका कलर चेक करते हैं। तो ये है जी लाइट कलर है ये भी, ये ज़रा लाइट सा पीच पिंक सा है ज़रा, और इस साइड ये इनका ट्रांसपेरेंट होता है, ये कलर है। और कलर देखते हैं कैसा है। तो अच्छा ये कलर जो होते हैं ना इसके, ये ड्राई हैं ये देखें, अच्छा कलर है ये। और देखें इतना सा है सर, इतना सा। और ये है जी कितने का है। और ये भी देखें, मैं यूज़ करूँगी अगर मुझे नहीं सूट किया, मैं कहूँगी मुझे एलर्जी कर गई है या ये कर गया वो हो गया फलां हो गया, तो वो फिर रिटर्न कर लेंगे। तो ये है जी $42 का ये लिप ग्लॉस और ये आया है 65 का। तो टोटल इसमें टैक्स डाला है 883, यानी कि पाकिस्तानी 1600 इस पर टैक्स डाला है, और टोटल बिल है जी $115 सिर्फ ये दो चीज़ों का। कितना बन गया पाकिस्तानी, 22-23 हज़ार का बन गया समझे। तो ये निकल आई अंदर से चेन, और ये चेन जो थी ये मेरे हस्बैंड जब पाकिस्तान गए हैं तो मेरे लिए ये चेन लेके आए थे, इस पे लिखी हुई आयतुल कुर्सी। तो ये देखें, ये बहुत खूबसूरत चेन है माशाल्लाह, और मैंने इसके अंदर रख दी है। और तो अब मैं इसको वापस उसी तरह ये देखें डब्बे में डाल रही हूँ, ये डब्बे में डालूंगी और ऐसे ही ये देखें ऐसे ही आया था, और ऊपर ये पैक था ये डालूंगी और इनके कूपन वगैरह भी डालूंगी अंदर। तो इस तरह वापस इसी तरह करके इसको ऐसे करूंगी, और ये देखें बस इसका ये लेबल लगा हुआ है इनका, बस ये उन्होंने चेक कर लेना है और यहाँ पे चेक कर लेना है बस, और ये अब हो जाएगा रिटर्न। तो ये तो मैं रिटर्न नहीं कर रही थी, तो मुझे ये पसंद आए हैं, ये अच्छे हैं, ये फाउंडेशन भी अच्छी है, ये भी मुझे पसंद आई है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने लेके जाऊँगी इंशाल्लाह कल लेके जाऊँगी, और रिटर्न करा के क्या लूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको वापस इसमें डालते हैं और अपनी चेन को निकाल के किसी
किसी और जगह पे रखते हैं। तो अब मैं चाय भी ला रही हूँ। इर्ज़ा आप कैसी हो बेटा? इर्ज़ा आपको मेरा मेकअप कैसा, कॉस्मेटिक अच्छी लगी? आपको क्या पता है। तो चलें चाय भी पी रही हूँ, थोड़ा सा साथ केक लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अब टाइम हो गया है थोड़ी सी चाय पीने का, क्योंकि नाश्ता किए हुए भी टाइम हो गया है और जूस पिए हुए भी थोड़ा टाइम हो गया है हमें, तो अब चाय पीनी है। मौसम बहुत ही हसीन है, ठंड शुरू हो गई है और विंटर की जो शॉपिंग है वो भी मैं आपसे, अगर मैं गई तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि वहाँ पे जैकेटें कौन कौन सी हैं। हम आ गए इधर फिर दोबारा घर देखने, तो देखें ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने घर बना दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज मैंने आपसे अपना मेकअप भी दिखाया है, उसको कैसा लगा आपको बताइएगा, कलर कौन सा अच्छा लगा बताइएगा। ओ ये देखें, हाँ मियाओ मियाओ कह रही, सॉरी बिल्ली की आवाज़ का। हाँ शाम हो गई और हमने मंगवाया पिज़्ज़ा, हम सब खा रहे हैं पिज़्ज़ा और मेरा बेटा भी इस टाइम पिज़्ज़ा खा रहा है, अभी वो सो के उठा है। तो अब मुझे आप मेरी चाय यार आपने नहीं बनाई। अम्मा क्या हो गया, मैंने क्यों नहीं बनाई अम्मा आपकी, ये बनाएंगे मैंने असल में अम्मा, ये चाय बनाते बनाते चाय का दिल सड़ गया था, इसे थोड़ा दूध डाला। पिज्जा इसने खा लिया है, पिज्जा मैंने इसको मंगवा दिया है, उसके बाद देखें अब ये मेरी चाय नहीं बना रहा, मेरी बना लो बना लो बना बनाने लगे हो। लो अरे सदके जाऊं, नहीं जी ये मेरा बेटा जो है ना माशाल्लाह, अल्लाह इसको नजर बद से बचाए, ये माशाल्लाह मेरा बच्चा, जब मैं इसको कहती हूँ ये आते ही इसने आज सारा काम किया, क्योंकि आज जरा मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हुई हुई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे आज आपने सारा काम किया है, मैं आपका थैंक यू करती हूँ और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, इसी तरह ही आप मेरे फरमाबरदार रहो, बल्कि सब बच्चे अपनी माओ के फरमाबरदार हैं। तो बिल्कुल, अब मैंने आप मेरा इधर मुश्तबा दूध कितना रह गया बेटा? दूध बस अपना बचा के किसी के दिल के लगा सके। अच्छा मैं कल गई हूँ और मैं देखे मेरा हाल देखे, दूध भूल गई हूँ लाना, अब चाय के लिए दूध रह गया इतना और सुबह मैं चाय ज़रूर उठ के पीती हूँ, और मैंने कहा मुश्तबा अब थोड़ा सा आपने दूध बचाना है, उस बेचारे ने पता नहीं किस तरह आप चाय बनाई है। जी आज ये ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।